तो दोस्तों मॉडिफाइड क्लब की एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और एक बार हम फिर आ चुके हैं कार प्लेनेट पे काकू बाजी के पास। काकू बाजी सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है? सत श्री अकाल जी, और क्या आप ठीक हो? सब बढ़िया जी, सब बढ़िया। तो काकू बाजी, सबसे ज्यादा वेट थी जिस वीडियो की, वो वीडियो आ चुकी है आज आप सब लोगों के लिए। ये आप देख सकते हैं जी, एम्प्स के बारे में, एम्पलीफायर के बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी पूरी की पूरी। लास्ट वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया था, जो थी वीडियो हमारी सब वूफर के रिलेटेड। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आ चुके हैं जी एम्पलीफायर की, कौन से सबवूफर के लिए कौन से एम्पलीफायर जो है वो सूटेबल रहेगा। आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपको इस वीडियो में करना चाहूँगा कि एक भी पार्ट इसको स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक एक एम्प की नॉलेज आपको पूरी की पूरी दी जाएगी कि फोर चैनल, टू चैनल, मोनो एम्प किस वूफर के साथ कैसे रन किया जाता है, किसके साथ कौन सा एम कंपैटिबल है, तो पूरी डिटेल एंड तक बताएंगे, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। हम एक रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं आप लोगों से कि मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता रेट के रिलेटेड, कि आपको मैं ये बोल दूं कि ये एमआरपी इतनी है, आप आएंगे इतने परसेंट डिस्काउंट दे देंगे, ऐसी बातें हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो रेट है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। वीडियो आप आज देख रहे हैं, एक महीने बाद देख रहे हैं, दो महीने बाद देख रहे हैं, तो आप उसके लिए कॉल कर लीजिए। पर ये चीज हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी नहीं की थी, सब वूफर की जो वीडियो है आपने अपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, पर हमने वो भी नहीं आया, आपको एक जेन्युइन प्राइस बताया था। बाकी भैया की बात सही है, जैसे आप वो वीडियो डाले को हमें राउंड अबाउट 1 मंथ हो गया है, तो प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। प्राइस हम इसीलिए, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम प्राइस नहीं बताते थे, पर आपने कहा प्राइस जरूर बताया करो, इसीलिए हमने स्टार्टिंग रेंज एक बताई थी। तो ये है कि आपको इस एम्प के जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, आपने कोई भी एम्प लेना है जो आपको चाहिए, तो आप मुझे कॉल करो, व्हाट्सअप करो, उसमें आपको प्रॉपर मैं उसका रेट दूंगा। तो सारे के सारे एम्प आपको मिलने वाले हैं, मोनोब्लॉक मिलेगा और आपको फोर चैनल, टू चैनल, सारे के सारे यहाँ पे मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बातें अब बंद करते हैं, काकू बाजी थोड़ी सी नॉलेज स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं काकू बाजी जो देख रहा हूँ ना, ये छोटा पैकेट बताओ ये क्या है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये फोर चैनल एम्प है स्टेटसम का, इसको आयरन लाइन्स इसकी जो सीरीज है, ये बेसिकली होता है कि कई जो कस्टमर चाहते हैं कि हमने अपनी गाड़ी में कोई दूसरा एम्प नहीं लगवाना, मतलब बहुत मिनी सा एम्प लगवाना है, इसमें क्या ये डैशबोर्ड के पीछे लग जाता है, ये जो आपके ओरिजिनल स्पीकर्स हैं ये वो चीज़ आपके रन करता है, इसमें वूफर नहीं चलेगा, इसमें क्या है सिर्फ आपके स्पीकर चलेंगे, बस ये है जो आपके स्पीकर्स की जो साउंड है वो बहुत बढ़िया एनहेंस हो जाती है तो ये एम्प लगाने से। तो भाई साहब एम्प का साइज चेक करो। हाँ, ये लेकिन एक तरह का साइज पे मत जाना। हाँ, ये हाँ साइज पे मत जाना, ये एक तरह का क्रॉसओवर ही है, जैसे कई मतलब अच्छे कंपोनेंट्स ले लो उसके क्रॉसओवर इतने बड़े बड़े आते हैं, ये एम्प है पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एंड साइज भी बड़ा कंपैटिबल है। तो ये एक शुरुआत थी, बता दिया गया कि इस पे जो है वो सबवूफर जो है वो रन नहीं होगा, फोर चैनल पे सबवूफर रन हो जाता है। हाँ। लेकिन इस पे नहीं होगा, इस पे सिर्फ आपके बाय डिफॉल्ट जो ओईएम से लग के आए हैं। हाँ, वो रन होंगे सबवूफर, देखो आप चलाने चला सकते हो, पर अगर आप उसकी पूरी आउटपुट ही नहीं ले पा रहे हो सबवूफर की, तो फिर फायदा क्या है वो एम्प लगवाने का, कोई फायदा। और इससे जो ओईएम में बाय डिफॉल्ट फिटमेंट आती है स्पीकर्स की, उसका आउटपुट अच्छा हो जाएगा। अगर आप ओईएम है या अगर आप कंपोनेंट्स लगाना चाहते हो, मतलब ये है कि स्पीकर्स एंड कंपोनेंट्स रन करने के लिए बहुत बढ़िया है, अगर आप बोलो कि इसमें हम सबवूफर रन कर लें तो वो नॉट पॉसिबल है। बहुत बढ़िया। हाँ। तो काकू भाई एक छोटी सी बात बता दो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कि टू चैनल की स्टार्टिंग रेंज और एंड रेंज क्या रहेगी? टू चैनल एंड रेंज का तो कोई है ही नहीं, मतलब कहां तक चलेगी? का चलो कोई बात नहीं, पर टू चैनल की जो स्टार्टिंग रेंज है वो राउंड अबाउट जो अच्छा एम्प है 2000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। और फोर चैनल? हाँ, फोर चैनल जो स्टार्टिंग रेंज है वैसे तो बहुत हल्के हल्के भी आ जाते हैं, पर जो मतलब हम मिनिमम कह सकते हैं जो वर्थ भी होता है जिसका, वो राउंड अबाउट 35 का। और मोनो? मोनो जो स्टार्टिंग रेंज है राउंड अबाउट 6000 से, मतलब 2000, 3500 और 6000 ये रेंज स्टार्टिंग होगी, यहाँ से शुरू हो जाएंगे। हाँ, जिससे आउटपुट बढ़िया मिलेगी, जिससे आउटपुट बढ़िया है, जो आप अपनी गाड़ी में आप मतलब लगवाने के लायक है वो, आप बिल्कुल सही बात है। और तो है आप आ तो हल्के भी जाते हैं जितने मर्जी ले लो, फायदा की हाँ कोई फायदा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो काकू भाई हम स्टार्ट करें इसके बारे में थोड़ी सी शुरुआत। ये एक आ जाता है नॉर्मल रेंज में, बहुत बढ़िया एम्प है, आउटपुट बहुत बढ़िया है, टू चैनल एम्प है ये। इसमें क्या है, अगर आप एक सिंगल सबवूफर रन कर सकते हो या फिर इसमें आप स्पीकर्स रन कर सकते हो, इसकी आउटपुट बहुत अच्छी है, मतलब टू चैनल में चीप एंड बेस्ट कह सकते हैं इसको, इसकी आउटपुट मतलब लिटरली बहुत बढ़िया है। और इसी में सेम यही कंपनी में एक फोर चैनल एम भी आ जाता है, ये फोर चैनल जो इस कंपनी का स्टार्टिंग रेंज है, बाकी इसी कंपनी में हाई एंड रेंज में भी हमारे पास फोर चैनल अवेलेबल है। इसमें क्या है, अगर आप फोर चैनल में एक दो बूफर
या एक बूफर एंड दो स्पीकर रन इजीली कर सकते हो ये चीज। भैया ये थोड़ा सा बता दो कि आरएमएस वाट कितने रहेगा और कौन से सबवूफर? आरएमएस ऐसे है कि आप इसमें जो सबवूफर है राउंड अबाउट 350-400 वाट का सबवूफर रन कर लो, साथ में दो ओवल स्पीकर रन कर लो, वो चाहे आप JBL के हो, पाइनियर के हो, मतलब कोई भी ब्रांड के जो आप जो ओवल स्पीकर इसमें इजीली रन कर सकते हो रन कर सकते हैं। तो काकू भाई इसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने इसको ट्रैक्टर्स में लगा बहुत देखा है। हाँ ये ट्रैक्टर्स में तो इसकी एक मैं बात बताता हूँ यहाँ पे कि कार्स में आप सोचो कि रन तो बहुत बढ़िया होगा क्योंकि ट्रैक्टर में आपको पता ही है कि एक तो ओपन आउटपुट होती है, मतलब बिल्कुल खुले में चलता है। ट्रैक्टर में बेसिकली क्या है कि आवाज बनानी बहुत औखी है, तो इसी करके ये जो एम्प है बहुत ही अल्टीमेट क्वालिटी के साथ है। इस मोनो एम्प इसको कहते हैं, मोबाइल ऑडियो का बहुत ही फेमस ब्रांड है मोबाइल ऑडियो, जो हमारे इधर ट्रैक्टर्स में बहुत अच्छा है, इसको मतलब प्यार दिया जाता है, मतलब बहुत प्यार दिया जाता है, बहुत प्यार दिया जाता है। और इसमें आउटपुट भी बहुत बढ़िया है, जो हमारी अपनी गाड़ी में भी आपको लास्ट वीडियो हमने i20 इसमें हमने दो मोबाइल चलाए थे, मोबाइल ऑडियो में दो P2 चलाए थे। तो एक मैं यहाँ से बात करना चाहता हूँ, मोनो एम्प इसको बोला जाता है, इस पर कोई भी स्पीकर्स या ये वो रन नहीं होते, इस पर सिर्फ सब वूफर्स रन किए जाते हैं। मोनो एम्प का हमेशा यही होता है कि आप ओवल स्पीकर या कंपोनेंट या कोएक्सियल कोई भी है वो रन नहीं कर सकते, ओनली सब वूफर इसमें रन कर सकते। तो एक छोटी सी बात बता दो काकू भाई, कितने आरएमएस वाट का है ये? 1000 वाट का जी, 1000 वाट्स का। हाँ जी, तो अगर मैं पाइनियर के सबवूफर की बात करूं, हाँ एक जो पाइनियर का सबवूफर है जो हैवी वाला मॉडल पुराने वाला, वो दो रन हो जाएंगे। हाँ, दो रन बड़े आराम से, दो बूफर बड़े आराम से रन होंगे। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप दो पाइनियर के सबवूफर रन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मोनो मोबाइल ऑडियो की बहुत रहेगी, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। 4 चैनल में भी बंदे जो हैं मतलब दो सबवूफर बड़े इजीली रन हो जाते हैं, पर जो क्वालिटी मोनो देता है वो 4 चैनल की आउटपुट नहीं देगा। वो मतलब मोनो के साथ क्या है उसकी क्वालिटी, मतलब एक लेवल ही अलग होता है, जो पंच है वो ही अलग होता है उसका। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं JBL का 4 चैनल ये एम्प है, 100% जेन्युइन JBL का हैवी सीरीज़ का एम्प है, बहुत ही अल्टीमेट क्वालिटी है। क्लब सीरीज़ का एम्प है, एक स्टेज सीरीज़ का भी आता है, ये क्लब सीरीज़ का, आप इसका साइज़ देख सकते हो प्रॉपर, और बहुत बढ़िया एम्प है, इसकी आउटपुट बहुत बढ़िया है इसकी, देखने में भी मतलब बॉडी की आप बाकी मेकिंग देख सकते हो, मेकिंग तो चलो ब्रांड तो ब्रांड ही होता है, ऐसी बात नहीं है, तो आप मेकिंग देख सकते हो इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ ही है। तो दोस्तों एक चीज़ की बिल्कुल 100% गारंटी है, किसी की बातों में मत आना, हमारे पास एक टुकड़ा भी आपको कॉपी नहीं मिलेगा, पूरे के पूरे ओरिजिनल मिलेंगे, ऐसा नहीं है विद बिल मिलेगा माल, कोई ऐसी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत कि आपको कॉपी मिल रहा है, मतलब लोगों की बातों में मत आना, मैं सीधी सी बात ये बता रहा हूँ। ये चीज़ें तो हमने हर वीडियो में बोला है, देखो कि कोई भी प्रोडक्ट है चाहे स्पीकर है, मतलब ये अगर JBL का तो JBL का ब्रांडेड होगा, फेक भी आता है, पर हमने अपनी शॉप में कभी भी नहीं रखा, मतलब वो कस्टमर के साथ कभी चीटिंग नहीं की कि कह के ओरिजिनल उसको फेक दे रहे हैं, वो उसका कोई फायदा नहीं है। वैसे भी हमारे दिल में दो बातें होती हैं यार, एक तो आप हमारा परिवार है, आप हमारी फैमिली, आपके साथ हम चीट नहीं कर सकते, और सेकंडली जो कंपनी इसको बनाती है, जैसे इसको JBL ने बनाया या मैं आगे बात करूं इसको रोकफोर्ड ने बनाया, हम कंपनीज की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इनका पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है इसको बनाने में, तो डुप्लीकेसी बेच के हम उनका मेहनत और उनका पैसा ख़राब नहीं कर सकते। हाँ वो देखो उनका, देखो कंपनी का तो जो मतलब अगर हम फेक करेंगे कंपनी को तो दुख लगता ही है जी, वो चीज़ तो है, पर आप अपनी भी इमेज ख़राब करते हो जो फेक बेच के, इसी करके कोई वो चीज़ नहीं है। अगर डबल मैगनेट है डबल मैगनेट बोलेंगे, अगर ओरिजिनल है डबल कॉयल है, मतलब जो चीज़ है वो बिल्कुल क्लियर करके आपको बताएंगे। तो बी अवेयर कि हमारे पास यहाँ जो मिलेगा आपको मिलेगा बिल्कुल ओरिजिनल। और काकू भाई आगे मैं बात करूं रेड लाइन की, हाँ ये आ जाता है DD ऑडियो का एम्प, ये DD ऑडियो का 4 चैनल लैंप है, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये चीज़ रेड लाइन सीरीज़ है, अच्छी आउटपुट है, अगर आप एक सबवूफर दो स्पीकर रन करना चाहते हो क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ अगर आप लेना चाहते हो तो बहुत बढ़िया एम्प है। मतलब ये मिडल रेंज आ जाती है, ना ज़्यादा कॉस्टली है ना ज़्यादा मतलब लो रेंज में है, मिडल सी रेंज आ जाती है, ठीक है, मतलब आउटपुट अच्छी है इसकी, आउटपुट अच्छी है। हाँ काकू भाई अगर रॉकफोर्ड की बात करें, हाँ ये रॉकफोर्ड का आ जाता है जी 250 नंबर, हमारे पास रॉकफोर्ड के तीनों एम्प अवेलेबल हैं, एक आ जाता है 250, एक आ जाता है 750 एंड एक आ जाता है 1200, मैं तीनों आपको दिखाऊंगा। ये रॉकफोर्ड का एम्प आ जाता है, ये 250 नंबर है, अच्छी आउटपुट के साथ आप इसमें सबवूफर रन कर सकते हो, बहुत बढ़िया, मतलब ब्रांड है नो डाउट, मतलब ब्रांडेड में अगर बात करें तो फिर रॉकफोर्ड तो हमारा फेवरेट है ही है, वो तो है ही, आप चाहे वो सबवूफर देखते हो या कोई भी है, रॉकफोर्ड की क्वालिटी तो रॉकफोर्ड ही है, है ही है। ये 750 मॉडल आ जाता है इसका, रॉकफोर्ड का ही अपर सीरीज़ के साथ आ जाता है, आप इसमें दो सबवूफर बड़ा ईजिली रन कर सकते हो, मतलब आउटपुट बहुत अच्छी है, रॉकफोर्ड का प्रॉपर ब्रांड आ जाता है ये। एंड
इसमें बेसिकली क्या है, देखो अगर आप इसको मतलब नॉर्मल रेंज के साथ अगर अपर रेंज को कंपेयर करोगे तो डिफरेंस तो होता ही है। मतलब थोड़ा सा काकू भाई मैं आपको एक यहाँ पे और रोकता हूँ। हमारा कहने का क्या मतलब था कि अगर आप देसी भी लगवा रहे हो, देसी और कंपनी की बात करूँ, अगर मैं जैसे मैं मोबाइल ऑडियो की बात करूँ, एक ब्रांड नहीं है लेकिन ब्रांड से कम नहीं है, ब्रांड से कम बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ब्रांड से मैं 21 गिन सकता हूँ, बल्कि इनको 19 नहीं गिन सकता। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप ट्रस्ट कर सकते हो दुकानदार पे, तो लेकिन आप अगर ब्रांड का स्टैंपिंग चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये चीजें बनी। अगर ये स्टैंपिंग है तो ये रॉकफोर्ड की जेन्युइन स्टैंपिंग है, कोई आफ्टर मार्केट वाली वो स्टैंपिंग नहीं है, बिल्कुल सही बात स्टैंपिंग है। आप चाहे इसको सर्विस सेंटर में करो, अगर आप चाहे बेसिकली हम पंजाब से हैं, जलंधर से हैं, आप कई हमारे से आप एम्प मंगवाना चाहते हो तो हम आपको डिलीवर करते हैं। आप इसकी वारंटी ऑल ओवर इंडिया ले सकते हो, ये नहीं कि आप हमारे से मिलेगी या पंजाब में मिलेगी, ऐसा काम नहीं होता है, क्योंकि ये ब्रांड है, इनके ऑल ओवर इंडिया में सर्विस सेंटर होते हैं। हमारे से तो मिलेगी ऑल ओवर इंडिया में, तो ऑब्वियस है। हाँ जी, हम तो यहाँ बैठे हैं आपकी सेवा में। और अल्पाइन भी, हाँ ये अल्पाइन आ जाता है, अल्पाइन का 4 चैनल एम्प है, BBX मॉडल इसको कहते हैं, अच्छा एम्प है क्लैरिटी के साथ। मतलब आप इसको अगर स्पीकर्स में आप इसको यूज़ करोगे तो बहुत ही अल्टीमेट लेवल की इसकी क्लैरिटी है। मैं हमेशा जो ब्रांडेड एम्प है वो स्पीकर्स के लिए थोड़े बढ़िया होते हैं, बाकी सब बूफर का मतलब वो आउटपुट नहीं, थोड़ा बहुत निकलती जो आप नॉर्मल एम्प में निकाल सकते हो, जो आप नॉर्मल एम्प से आपको मिल सकती है वो सब बूफर में इसमें नहीं मिलती आपको। तो काकू भाई आगे पाइनियर, ये पाइनियर का 4 चैनल एम्प आ जाता है, ये अराउंड अबाउट 7004 मॉडल है इसका, एंड इसमें एक और मॉडल भी आता है, एंड ये फिर फोकल का 4 चैनल आ जाता है, बहुत अच्छा एम्प है फोकल का भी। मतलब ये वेल नोन ब्रांड है जो आपने सुने हुए हैं, मतलब वो चीज़ नहीं है। तो पाइनियर में मैं, हाँ ये पाइनियर का ये दूसरा 4 चैनल आ गया 6704, ये 7004 था, ये 6704 है, 6704 है, और ये पाइनियर का ये भी 4 चैनल एम्प है 870 पर ये जो एम्प है ये एक बहुत ही मतलब हाई लेवल का एम्प है पाइनियर का। हाँ ये जैसे ये चीज़ नॉर्मल में आ जाती है, पर ये जो एम्प है बहुत ही, आप इसकी मेकिंग देख सकते हो, इसकी क्वालिटी देख सकते हो, बहुत ही अल्टीमेट मतलब एम्प है। मतलब ये हाई एंड सीरीज में है, ये हाई एंड सीरीज में है, बिल्कुल जी है बिल्कुल। तो मतलब लो रेंज से लेके हाई एंड रेंज तक आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जो दिखा दिया बस यही है, इसके अलावा भी आपको वैरायटी यहाँ पे मिलने वाली है। आगे मैं बात करूँ DSL, हाँ जी DSL 18 का ये एम्प है, और ये भी 4 चैनल एम्प है, आउटपुट ठीक है, मिडल रेंज में अच्छी क्वालिटी के साथ एम्प है। अगर आप इसको स्पीकर्स एंड सबवूफर रन करना चाहते हो तो इजीली है, या कंपोनेंट्स जो आजकल कस्टमर की ज़्यादा डिमांड है कार्स में, ट्रैक्टर में तो चलो वो चीज़ अलग है, कार्स में जो डिमांड है वो मतलब 4 डोर्स में ही कस्टमर लाइक करते हैं, जो पहले पीछे हम आप पार्सल ट्रे में लगाते थे वो चीज़ें अब नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट्स या कोएक्सिल इतने बढ़िया बढ़िया आ गए हैं आपको पीछे रखने की, पीछे सिर्फ एक सबवूफर रखो, ज़रूरत ही नहीं है। तो ये JBL का 4 चैनल है, बहुत मिनी सा एम्पलीफायर है, छोटा है बस, ये स्पीकर्स रन करने के लिए बढ़िया है, ये वूफर के लिए नहीं है। ये रॉकफोर्ड का मोनो एम्प आ जाता है, हाई एंड सीरीज 1200 नंबर, आउटपुट अल्टीमेट है, इसमें आप P2 चलाओ या डेप बॉन्स चलाओ या कोई भी आप बूफर चलाओ, बहुत अल्टीमेट, इसकी पंच ही अलग होती है इसकी, आप देख सकते हो इसका साइज़ भी बड़ा मतलब जेन्युइन सा साइज़ है। अगर आप इसको जैसे हमारे ट्रैक्टर्स में तो बॉक्स के अंदर ज़्यादा फिट होते हैं, प्राइम तो, प्राइम सीरीज़ का है, तो इसमें आउटपुट अच्छी निकलती है। तो ये पाइनियर का आ जाता है मोनो एम्प, जैसे ये वाला मैंने आपको एम्प दिखाया था 8704 जी, ये हाई एंड सीरीज में 4 चैनल एम्प है, ये पाइनियर का हाई एंड सीरीज में मोनो एम्प है। तो भाई साहब इसको खोल के दिखा दो एक बार थोड़ा सा, कि लोगों को ये ना लगे कि हम खाली डिब्बा दिखा रहे हैं, मतलब हम जेन्युइन पीस आपको मिलेगा, ऐसे ऐसी बात नहीं है। तो ये है जी, ये है मोनो, मतलब दोनों देखने में एक जैसे होंगे लेकिन जो काम है वो अलग अलग है, काम अलग है ये इसका बिल्कुल। अभी आपको मैं दोनों साथ में रख के दिखाता हूँ, ये आप ये देखना है, ये देखने में आपको दोनों सेम लगे। अब फर्क भी समझा दो काकू भैया, ये 4 चैनल और मोनो क्यों, कैसे पहचान है? ये 4 चैनल है, आप इसमें देख सकते हो, इसमें जो ये डबल दी जाती है 4 चैनल में, क्या है ना इसको 8 जो इसमें स्क्रूज आते हैं 8 आउटपुट आती है, और इसमें मोनो में क्या होता है ये 4 ही रहते हैं, ये हमेशा आप मोनो कोई भी देख लेना उसमें 4 रहेंगे, 4 चैनल में ये 8 रहेंगे और 2 चैनल में भी 4 रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। मतलब देखने में मेकिंग सेम है पर इसके दोनों का जो फंक्शनैलिटी है वो अलग अलग है। अब रेंज आपको बता दी गई कि स्टार्टिंग रेंज जो है वो 2000 से 2 चैनल, 3500 रुपये से 4 चैनल और 6000 रुपये से मोनो। हाँ जी, मतलब ये स्टार्ट हो जाते हैं, इससे कम भी मिल जाते हैं लेकिन उसके लिए हम कभी भी सजेस्ट भी नहीं करेंगे, वो हम डील भी देंगे भी नहीं हम, मतलब क्योंकि वो आपको आपका सामान एक्स्ट्रा भी खराब कर देंगे। मोनो जो है
आपका सबवूफर खराब कर देगा, बस वही उसका कोई फायदा नहीं है। उसका कोई फायदा कि आप मतलब हर दूसरे दिन मेरे पास आओ, वो कोई वर्थलेस है, बेसिकली वो वर्थलेस है। अगर आप तंग हो रहे हो तो वो हमारे लिए वर्थलेस है वो। तो नंबर तो काकू भरी का नीचे फ्लैश हो ही रहा है, अगर इसके अलावा आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वहाँ कॉल करिएगा। और वायरिंग जीरो गेज से लेके हर सारी मिलेगी टोटल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो सारी मतलब आप जिसमें काम कराना चाहते हैं कराइए, सारी सारी प्योर कॉपर में। हाँ बिल्कुल, आप जिसमें जो आपकी लाइकिंग है, जो आप जिस हिसाब का सिस्टम लगा रहे हो उस हिसाब की हम आपको वायरिंग प्रेफर करेंगे। और अगर आप अपने एरिया में मंगवाना चाहते हैं तो इसको कोरियर हो जाएगा, इसको मंगवा सकते हैं। और दूसरी एक बात मैं शेयर कर दूं आपके साथ, अगर आप अपने एरिया में मंगवा रहे हैं ना तो किसी अच्छे एक मैकेनिक से ही ये फिट करवाइएगा, क्योंकि इसकी जो सेटिंग होती है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। एक मैं और चीज़ बोलूँगा, जैसे लास्ट वीडियो हमने डाली है, नो डाउट बड़े दूर दूर से हमें फ़ोन आए हैं, हमने सामान डिलीवर भी किया है, पर देखो नो डाउट एक कस्टमर को एक वो डर सा रहता ही है कि अगर मैं पहले पेमेंट कर रहा हूँ मुझे सामान आएगा नहीं आएगा, पर ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। मॉडिफाइड क्लब ने हमेशा यही कहा है कि जो सामान डिलीवर करने की गारंटी मॉडिफाइड क्लब की होती है, बिल्कुल होगी, कार प्लेनेट की है, उसमें आप बिल्कुल ही बेफिक्र हो, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आप अपनी पेमेंट डिपॉजिट कराइए, आपका सामान आपके पास पहुँच जाएगा। तो बाकी की बात रही कि इसके साथ की अगर वायरिंग चाहिए तो आप जब कॉल करेंगे बूफर के लिए या एम्प के लिए तो भैया से पूछ लेना कि भैया इसके अकॉर्डिंग जो हमें वायर है वो कौन सी लगवानी चाहिए, अगर आपके एरिया में मिलती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वो भी आप साथ में मंगवा सकते हैं। वो भी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बस जो जॉन सा एम जा रहा है उसके साथ में।